हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आंसर्स मैंने अभी सभी के फॉरवर्ड कर दिए, इसलिए आज लेट हो गया। जयदीप का रह गया है, जयदीप को मैं अभी इसके बाद सेंड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर आंसर अभी नहीं लिखते तो आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। इतना अच्छा हमने इनिशिएटिव चलाया है ना, तो आप भी आंसर लिखें, सेंड करें। मेल आई डी आपको लास्ट में बता दूंगा। और ये वन लाइनर तो बना रहे हो ना, डेली बेसिस पर बनाना, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहती है तभी मज़ा आता है ना। खुद में भी मोटिवेशन आता है, अच्छा लगता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। खुद में अच्छा लगता है कि हाँ मैं अब अचीव कर लूँगा अपना ड्रीम। ये कब लगता है? कब हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, जो अपना डिसिप्लिन है उसे डेली बेसिस पे फुलफिल करते हैं। जैसे आपने सोचा है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो आप देखो अगर डेली पढ़ रहे होगे ना, एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड कौन लेके आया? नीति आयोग। सेकंड, सिंगल विंडो एक्सेस है फॉर एनर्जी डाटा। मैं वन लाइनर इस हिसाब से बनाता हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई चीज़ की, आप अपने आप ही समझ जाओगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जैसे इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड है, कौन लेके आता है? तो नीति आयोग। सेकंड है क्या? सिंगल विंडो एक्सेस फॉर एनर्जी डाटा, बस। सेकंड, डॉज कॉइन, तो ये क्रिप्टो करेंसी है, 2013 में आई थी, फास्टर अल्टरनेटिव टू बिटकॉइंस। ठीक है, जो हम बिटकॉइन करते हैं, यूज करते हैं, उसकी एक लिमिटेशंस हैं, लिमिट में हैं, बहुत सारी बिटकॉइन की लिमिटेशंस हैं। डॉज कॉइन उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। तो बस अगर आपको फिर भी कुछ पढ़ना है तो आप इसे ब्राउजिंग कर लिया करो, है ना। कोडेक्स कमेटी किसके लिए है? यूपीएससी ये पूछेगा। कोडेक्स कमेटी जो न्यूज में है वो किससे रिलेटेड है? तो याद रखना, स्पाइसेस और क्यूलिनरी हर्ब्स। और वेज एंड मींस एडवांसेस, ये टर्म हमेशा न्यूज में रहता है। तो क्या है? दे आर टेम्प्रेरी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई आरबीआई टू द गवर्नमेंट टू इनेबल इट टू मीट टेम्प्रेरी मिसमैचेस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो बहुत इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सबको समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। और फिफ्थ आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो जो इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है तो हर 5 साल में किया जाता है, आरबीआई करता है, ओके, पर किस एक्ट में पावर मिली है आरबीआई को? तो आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना। सिक्स आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात हो रही थी अभी, तो कितना बताया गया है, प्रपोज किया गया है? 21%। किसके द्वारा? यूएसके के द्वारा। क्या होता है, कोई कोई कंट्री हैं टैक्स हेवन कंट्री हैं, टैक्स नहीं लगता है, तो ऐसे में अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, या फिर लोग अपनी इंडस्ट्री वहाँ बसा लेते हैं जिससे टैक्स नहीं देना पड़े सरकार को, टैक्स बच जाता है, इवेजन होता है। तो ऐसे में अगर पूरे वर्ल्ड में एक मिनिमम टैक्स होगा 21%, तो लोग क्यों फिर आपकी इंडस्ट्री वगैरह अदर कंट्री में शिफ्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका करेंसी चेस्ट, ये न्यूज में था। ये है क्या? इट इज अ प्लेस वेयर आरबीआई स्टॉक्स द मनी मेंट फॉर बैंक एंड एटीएम। जिसके लिए चाहिए वो आरबीआई अपना पैसा स्टॉक करके रखता है। तो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? आरबीआई करेगा ऑब्वियसली, उसका पैसा है तो। बट कहाँ रखता है? डिफरेंट बैंक्स के प्रमाइस में। और लाइबल कौन होगा अगर चोरी हो गया? तो बैंक होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बैंक लाइबल नहीं होगी तो वो तो चोरी करवा देगी ना, है ना। नेक्स्ट आपका एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, कोविड में बहुत चला था ये, तो इसके एक लाइन डेफिनेशन याद रखना, टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, तो आपका स्टेट भी इसमें मतलब एक्ट में कुछ लेके आ सकता है, नई नई चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे वहाँ पे यूपी में लेके आए थे, इस एक्ट को यूज किया गया था। नाइन आपका इन्वेस्ट इंडिया, ये कब बनी थी? 2009 में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में आती है। अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इसे ओएसपीज भी बोलते हैं। तो क्या है? ओएसपीज आर कंपनीज और फर्म्स विच प्रोवाइड सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज। वो क्या होती हैं? जैसे टेली मार्केटिंग हो गई, टेली बैंकिंग हो गई, ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उन्हें ओएसपीज बोलते हैं। आज का क्वेश्चन, डिस्कस महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, हाउ फॉर वॉज इट आर डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन की महात्मा गांधी ने बात की थी उसका क्या है, और डिपार्चर जो सिस्टम अभी चल रहा है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उससे कैसे अलग है ना, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या नए उसमें लेके आ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी लिखना, उसमें कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज किया गया है। आप चलो आप ही लिखना, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा, आप रिसर्च नहीं करोगे, उन्हीं पॉइंट्स को लिख दोगे। ठीक है, सभी के आंसर मैंने सेंड कर दिए थे,
सोनू और हाँ सभी के हो गए थे, जयदीप का रह गया तो मैं अभी साइंड कर दूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर करें।